Morning students, welcome to Learners Academy. Now this is the formative assessment test analysis of chapter number 3 matrices. ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे. Matrices chapter is a very easy chapter. फिर भी इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो मैंने इस पेपर में दिया है. Max to max इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और शायद ही कोई टाइप बचा होगा जो इसमें नहीं, ठीक है ना. या फिर अगर टाइप बचा होगा तो इससे लो लेवल का ही बचा होगा. हाईएस्ट लेवल तो मैंने दे दिया ना. हालांकि देखो अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, कुछ भी बन सकता है, बट थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 i. चलो देखते हैं, इधर देखो स्क्रीन पे आप सब लोग. हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर. तो अगर ए ये है तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा ए इंटू ए, ए इंटू ए. चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 2 2 1 2 2 2 1. अगेन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स, 1 2 2 2 1 2 2 2 1. चलो करते जाओ फटाफट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 8 और 1 9. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं, अच्छा इसको कर रहे हो आप, 1 इंटू 2 2, then 2, then 2, yes 8, then आ जाओ 2 4 6 and 2 8. ठीक है, अब second row first column, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 and 2 2 जा 4 8. ये 9, ये पहला वाला तो 9 ही आएगा ना. ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 5 and 2 2 जा 4, yes ये 9 हो गया. और आ जाओ 2 1 2 जा 4, 1 2 जा 2, तो 6 and 2 8. लास्ट लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 2 जा 2, तो सेम 8 आया. और आ जाओ थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 अगेन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 8, तो ये हो गया 9. तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर. चलो अब अपन सीधे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या निकालना है अपने को, एक ए स्क्वायर अलग से निकाल के रख लेना, क्योंकि वो उस टाइम जब आप निकालेंगे तो ज्यादा बड़ा सा एक्सप्रेशन ना बन जाए, इसलिए ए स्क्वायर पहले से निकाल के रखो. अब तो आप इसके साथ साथ ही कर सकते हो उसको, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 i को लिख सकता हूँ. ए स्क्वायर की तो वैल्यू है मेरे पास 9 8 8, देन 8 9 8, देन 8. अभी ये एनालिसिस क्लास है तो ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं ना. माइनस 4 ए को क्या लिखोगे, प्लस माइनस 4 टाइम्स इंटू ए, माइनस 4 टाइम्स इंटू 8 करो तो माइनस 4 माइनस 8 then minus 8, then minus 8, then minus 4, then minus 8, then minus 8, minus 8, then minus 4. Last में हमारे पास minus 5i, minus 5i को लिख सकता हूँ 5 times of identity matrix. हाँ, minus 5 times, yes. Minus 5, 0, 0, 0, minus 5, 0, 0, 0, minus 5. अब बस इनको add करना है, आपका यही answer हो जाएगा. तो 9 minus 4, 5, 5 minus 5, 0, 8 minus 8, 0, 0, 8 minus 8, 0, 0, 8 minus 8, 0, 0, 9 minus 4, 5, 5 minus 5, 0, 8 minus 8, 0, 8 minus 8, again 0, 8 minus 8, again 0, 9 minus 4, 5, 5 minus, so you will get a null matrix. तो अक्सर इनके आंसर ऐसे अजीबोगरीब ही आएंगे, null matrix निकल गया, कोई scalar matrix निकल गया, last में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it is nothing but O. तो चेक कर लो एक दूसरे के. अच्छा मार्किंग मार्किंग है, लास्ट के दो क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के हैं, 5th and 6th, बाकी सब 3-3 मार्क्स है. ओके, तो इसको 3 मार्क्स दे देना. ओके बेटा, या फिर एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो, फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स इन तीनों को दो 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 मार्क्स, तो इसको 2 मार्क्स ही दो, ये ज्यादा लेंदी नहीं है. फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स इन तीनों को दे दो 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 मार्क्स, और बचे हुए तीन को दे दो 3-3 मार्क्स, नोट से हो गए ना 15. ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेंदी नहीं है, 3 मार्कर नहीं आएगा, मैक्सिमम 2 मार्कर ही आएगा, जितना आएगा उतना ही दें, है ना. ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. पहले क्वेश्चन में चेक हो गया, मार्क्स दे दिए, 2 मार्क्स दे देना फुल मार्क्स. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमने सीखा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, 1/2 सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज. ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 1/2 सम ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड इट्स
ट्रांसपोज, तो बेसिकली मुझे ए ट्रांसपोज चाहिए, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। चलो लेट अस से कि ये मैट्रिक्स ए है, तो ए ट्रांसपोज बनाओ फटाफट। तो ये हो जाएगा, इसको कॉलम वाइज लिख दो, 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 - 1 - 1, 2। ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब क्या चाहिए अगली चीज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट चीज क्या चाहिए हमको, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और उसके बाद क्या चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इन दोनों को जोड़ दो जरा, 3 - 2 - 3 + 1 - 4 - 1 - 5 - 3 - 2 - 1 - 2 - 4 - 5 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 - 4 सही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब थोड़ा ध्यान से इसको माइनस करना है बेटा, 3 - 3 - 0 - 2 - 3 - -5 - 4 - -1 यानी -4 + 1, दिस इज -3, 3 - -2 यानी 3 + 2 - 5, -2 - -2 यानी -2 + 2 - 0, -5 - 1 - 6, -1 - -4 यानी -1 + 4 यानी कि +3, एंड 1 - -5 इज 1 + 5 दैट इज 6, एंड लास्ट में आ जाओ 2 - 2 इज 0। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब यहां से आप इसका हाफ निकाल लो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाँ कर सकते, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 3 मार्कर है वैसे ही आएगा, तो ये तो 3 मार्कर आएगा ना सम एक्सप्रेस करने का। ठीक है, चलो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, तो उसका हाफ कर देता हूं मैं सीधे ही, 3 - 1/2 - 5/2, देन 1/2 - 2 - 2, देन -5/2 - 2 एंड +2। और आ जाओ इम्प्लाइज, यहां से हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 0 - 5/2 - 3/2 एंड 5/2 - 0 - 3, फिर 3/2 - 3 - 3, 7 कहां से आया बेटा, ए माइनस ए ट्रांसपोज में 7 कहां से आएगा, 6 है ना, तो 6 / 2 = 3 एंड 0 / 2 = 0, अगर गलत है तो मार्क्स काटने, ठीक है ना। हाँ तो उसका एक का भी 1/4 तो कटेगा ना, ठीक है ना, एक्स बोर्ड में भी कटेगा। चलिए, तो ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, तो यानी कि आपको, आपने क्या कहा था, किसी भी मैट्रिक्स को इस इन दो रूपों में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फाइनली आप क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसको हटा दूं, देखो इस तरीके से लिखेंगे, आपने चीजें निकाल ली, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ ये जो मैट्रिक्स है, हाँ ये 3 मार्क्स का है ना, ए इक्वल टू पहले तो ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख देंगे, अब इसको सम के रूप में लिखना है, 2 मैट्रिक्स है इसके, तो इन दोनों के सम के रूप में लिख देंगे। पहली मैट्रिक्स ये 3 - 1/2 - 5/2, देन 1/2 - -2 - -2 - -5/2 - -2 - 2, पहली मैट्रिक्स ये, प्लस दूसरी मैट्रिक्स ये नीचे वाली, 0 - 5/2 - 3/2 - 5/2 - 0 - 3 - 3/2 - 3 - 0। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो इन दोनों का जोड़ ही आ रहा है क्या, 3 + 0 - 1/2 - 5/2 - -4/2 - करके देख लेना, एलिमेंट टू एलिमेंट ही आ रहा है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है, पहली मैट्रिक्स शुड बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, और ये दोनों इक्वल हो, ठीक है, सिमेट्रिक है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक में क्या, डायगोनल तो 0 चाहिए और ये इसका नेगेटिव हो, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, तो ये स्क्यू, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों का सम ये। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, वापस जोड़ना नहीं है इसको, वापस नहीं जोड़ना, जोड़ा हुआ तो आया, आपको तो एक्चुअली स्प्लिट करना था, स्प्लिट करके दिखाना, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से सबने किया है, तो फिर तो लास्ट की स्टेप लिखनी थी, 1/4 काटो भाई, जो काम दिया वो तो करना पड़ेगा ना। काम क्या था, इस मैट्रिक्स को स्प्लिट करो 2 मैट्रिक्स में, पहली होनी चाहिए सिमेट्रिक, दूसरी होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। आपने कुछ कुछ निकाल दिया, लेकिन इसको स्प्लिट करके रिप्रेजेंट करके तो बताओ, ठीक है, तो 1/4 काटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इनवर्स निकालना है, आ गया इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन, राइट, जो कि तो 100% 3 या 4 मार्कर आएगा ही आएगा, और आने का चांसेस पूरा पूरा है। ठीक है, तो पहले आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगला आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब तो रो तो हमने सीखा था, कॉलम हमने कहा था आपको अपने आप करना, ठीक है, चलो दोनों करके देखते हैं। दोनों ने रो अटेम्प्ट किया या कॉलम अटेम्प्ट किया, दोनों ने रो अटेम्प्ट किया, नो वन वॉन्ट्स कॉलम, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स है
रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू आई ए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ईआरओ के लिए। चलिए ए मैट्रिक्स बोल दो फटाफट, ए मैट्रिक्स है -1 1 2 -1 1 2, आगे बोलो 1 2 3 1 2 3, आगे बोलो 3 1 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय ए। चलिए शुरू कर दें, तो जो पैटर्न फॉलो होता है रो के लिए वो कौन सा होता है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले एलिमेंट आपको क्या चाहिए होता है, वन चाहिए होता है। अब वन की जगह यहाँ पे क्या है, -1, तो -1 को 1 बना दें, -1 से मल्टीप्लाई करके बाकी क्या बन जाएंगे, तो वो तो वैसे भी लास्ट तक घूम फिर के आएंगे, तब तक तो वैसे भी हाँ वो भी कर सकते हैं, R1 इंटरचेंज विद R2 वो भी कर सकते हैं। बताओ क्या किया आप लोगों ने, आपने R1 में 2R2 जोड़ दिया, वो भी सही है। तो अब आपके लिए मेहनत जाता है, अपना अपना देखते रहो, है ना। और आप ये भी कर सकते हो कि इसको नेगेटिव कर, चलो नेगेटिव तो किसी ने भी नहीं किया तो फिर मैं भी नहीं करता हूँ, बाकी कर सकते हो। देखो आप इसकी चिंता मत करो कि ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव इसका नंबर तो कहाँ आएगा आखिरी में, तब तक तो पता नहीं है क्या बन जाएगा, तब तक तो वैसे भी क्या पता है जीरो बन जाए, और बनेगा जबकि जब देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अभी अब मैं इसको सबसे इजीएस्ट तरीका होगा आज को इंटरचेंज करना R1 को और R2 को। तो R1 अप्लाइंग R1 इंटरचेंज्ड विथ R2, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाती है, ऊपर बन जाता है 1 2 3, यहाँ बन जाता है -1 1 2, फिर हो जाता है 3 1 1, सेम राइट। इधर आ जाओ जरा, इधर भी इंटरचेंज करो तो 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1 into a। चलिए तो 1 के बाद अब नीचे इसको 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए ऐड कर दो R1 + R2, इजीएस्ट तरीका, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो R2 changes to R2 plus, हालांकि आप दोनों को जोड़ रहे हो लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते R1 + R2, आपको यहाँ पे रूल को फॉलो करना है। हाँ, जो आपको ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन दिए वो ये है कि इधर और इधर सेम नंबर होना चाहिए, तो आप R1 + R2 लिखने की गलती ना करें ना। चलो तो R2 चेंज कर रहा हूं, तो 1 2 3 सेम, इन दोनों को जोड़ो जरा, 0 3 5 and 3 1 1 सेम। आ जाओ RHS, तो RHS में आ जाओ, 0 1 0 सेम, इन दोनों को जोड़ो 1 1 0, फिर ये 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसका जूम आउट करता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट बताओ, ये हो गया 1, ये हो गया 0, अब इसको 0 बनाना है, तो -3 times of R1 लेस कर दें, यहाँ लिख देता हूँ मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ ना, R3 changes to R3 plus -3 times of R1, ठीक है, करो। तो R3 चेंज कर रहे हो तो R1 R2 सेम लिखो, 1 2 3 0 3 5, चलो 3 - 3 0 हो गया, इसको करो -3 times of 2 यानी -6, तो 1 - 6 कितना होगा, -5, इसको भी चेंज करो -3 times यानी 1 - 9, ये कितना हो जाएगा, -8, चेक करो यही आ रहा है। चलो इधर आ जाओ, तो 0 1 0 0 1 0 1 1 0, चलो आ जाओ। अब ये ऊपर तो 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, अब इसका कितना करना है, -3 times, तो 0 - 3 - 3 होगा ना कि 3, हाँ, और ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा सेम, मल्टीप्लाइड बाय, हाँ, क्यों बेटा 1 आएगा ना, अगर ऊपर 0 है तो सेम एलिमेंट आएगा, यहाँ 1 है तो 1 का 1 आएगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है, 0 - 3 1 होगा लास्ट, गलत किया क्या इसने, गलत लिख दिया, 1 लिख दिया तो आगे के सारे गलत नहीं होंगे, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बोलो, 1 0 0 हो गया, अब 3 को चेंज करना है, 3 को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 3 को क्या बनाना है आपको, इसको चेंज, सॉरी, हाँ 3 को चेंज करना है ना, मतलब ऐसे आ गया, इसको 1 बनाना है ना आपको, 1 बनाने के लिए क्या करें बोलो, 1/3 से मल्टीप्लाई, तो R2 changes to 1/3 times of R2, R2 changes to 1/3 times of R2, तो 1 2 3 0 1, और ये 3 5 divided by 3 5/3 हो जाएगा,
जीरो माइनस फाइव माइनस एट, ठीक है। इसने भी यही किया, इसने भी यही किया, खुशी ने, तो इसको आप चेंजेस करते जाओ। यहाँ पे जीरो लिखा है इसने, नहीं नहीं यहाँ पे जीरो लिखा था ना, इसको पेन से काट के वन करो, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, जो जो भी करेक्शन है साथ के साथ करते जाओ, जीरो वन जीरो वन वन जीरो, सॉरी वन बाय थ्री, वन बाय थ्री जीरो, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री जीरो, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री जीरो, और ये जीरो माइनस थ्री वन, इसको भी चेंज करो, ठीक है। तो देखो एक एलिमेंट गलत हुआ तो वो तो कंटिन्यूस पूरा गलत होगा नीचे तक, ठीक है जी। आ जाइए, अब किसकी बारी है, इसको क्या बनाना है, जीरो, तो इस वन का सहारा ले लूं, पांच गुना वन का ऐड कर देता हूं उसमें मैं, ठीक है। इसने भी यही किया है, आर थ्री, आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री प्लस फाइव टाइम्स ऑफ आर टू, ठीक है। चलिए आइए, तो आर थ्री चेंज कर रहे हैं, तो वन टू थ्री, फिर जीरो वन फाइव बाय थ्री, चलिए आगे। अब पांच गुना इसका ऐड करेंगे तो ये तो जीरो आएगा, पांच गुना इसका ऐड करेंगे तो ये भी जीरो आएगा, पांच गुना इसका ऐड करो जरा, तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव बाई थ्री, ट्वेंटी फाइव बाई थ्री माइनस एट, तो ट्वेंटी फाइव बाई थ्री माइनस फोर्टी बाई थ्री, यानी माइनस फिफ्टीन बाई थ्री, माइनस फाइव, देखते हैं। देखो आपको क्या करना है, माइनस आठ प्लस पांच गुना इसका, तो ट्वेंटी फाइव बाई थ्री, अच्छा एट या ट्वेंटी फोर होगा, मैंने एट फाइव या फोर्टी कर दिया, तो माइनस ट्वेंटी फोर, तो प्लस वन बाई थ्री, प्लस वन बाई थ्री, यस प्लस वन बाई थ्री, ठीक है, सही है ये। इधर आ जाओ, कर दो इसका पांच गुना, तो जीरो वन जीरो, पांच गुना इसका करूंगा तो फाइव बाई थ्री, पर आप तो चेंज तो आर थ्री को कर रहे हो ना, इसको तो सेम लिखो, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री जीरो, चलो पांच गुना इसका करोगे और इधर जोड़ोगे तो फाइव बाई थ्री, पांच गुना इसका करोगे तो फाइव बाई थ्री माइनस थ्री करना है, तो फाइव बाई थ्री यानी थ्री फाइव या फिफ्टीन, फाइव बाई थ्री माइनस थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, सॉरी थ्री थ्री जा नाइन, तो फाइव माइनस नाइन इज माइनस फोर, माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री, और उधर जीरो है तो फिर ये वन का वन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब किसकी बारी है, ये हो गया, ये हो गया, अब इस वन बाय थ्री को क्या बनाना है, वन बनाना है, वन बाय थ्री को वन बनाना है, तीन से गुणा कर दो, तीन से गुणा कर दो, आर थ्री चेंजेस टू, उसने क्या किया है, ये किया थ्री टाइम्स ऑफ आर थ्री, तो पैटर्न तो सही फॉलो किया खुशी, बट एक एलिमेंट आपने एक जगह गलत लिख दिया, उसकी वजह से आपके नीचे के सारे गलत होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वन टू थ्री, जीरो वन फाइव बाय थ्री, जीरो जीरो वन बाय थ्री, वन बाय थ्री को थ्री टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये वन हो गया ना, इधर आ जाओ, जीरो वन जीरो, इसको थ्री टाइम्स करना जरा, वन इसको थ्री टाइम्स करना जरा, वन जीरो, सॉरी आर थ्री को करना था, इसको कहाँ कर रहे हो, ये तो सेम है, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, बस इस क्वेश्चन में ऑल यू नीड इज फोकस, है ना, इधर उधर ध्यान ना देके बिल्कुल फोकस करके करते रहे तो हो जाता है, फाइव माइनस फोर एंड थ्री, तीन गुना करना है ना, अच्छा इसने तो, इसका तो जीरो था, इसका तो जीरो था ना, ठीक है। चलो अब कहां तक पहुंचे, अब फाइव बाय थ्री को जीरो बनाओ जरा, कैसे बनाओगे ना, ऐसे कोई नंबर माइनस नहीं कर सकते ना, तो आप वन का सहारा लो नीचे, आर थ्री का सहारा लिया इसने भी, हाँ आर थ्री का सहारा लिया, तो आर थ्री का माइनस फाइव बाय थ्री टाइम्स आर टू में ऐड कर दें, यही किया, तो क्या लिखा है, आर टू चेंजेस टू आर टू प्लस माइनस फाइव बाय थ्री टाइम्स ऑफ आर थ्री। लास्ट के कुछ स्टेप्स तो थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप होते ही हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते, तो आर टू चेंज कर रहा हूं, तो आर वन लिख देता हूं एज इट इज, एंड आर थ्री लिख देता हूं एज इट इज, जीरो जीरो वन, चलो आ जाओ, आर टू चेंजेस टू, अब ये तो जीरो जीरो है, तो देखो इसको जो जीरो वन ही लिख दो एज इट इज, है ना, ठीक है। अब ये है वन, तो इसका माइनस फाइव बाय थ्री, ये भी इजी निकला स्टेप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ आर एच एस में देखना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन हो सकती है, तो जीरो वन जीरो जो एज इट इज है उसको लिख दो, फाइव माइनस फोर थ्री, चलिए आर थ्री का माइनस फाइव बाय थ्री टाइम्स करो, तो ये हो जाएगा माइनस पच्चीस बटे तीन और एक बटे तीन, यानी माइनस चौबीस बटे तीन, यानी माइनस आठ, माइनस आठ, चलो इधर आओ, इसका माइनस फाइव बाय थ्री टाइम्स माइनस फोर है तो प्लस हो जाएगा ट्वेंटी बाय थ्री, ट्वेंटी प्लस हो जाएगा ना, माइनस फाइव इंटू माइनस फोर प्लस ट्वेंटी बाय थ्री, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन बाय थ्री,
तो 21/3 इज प्लस 7, गलती कर दी इसने, हाँ -5/3 है ना। चलिए इधर आ जाओ, -5/3 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस फाइव इंटू थ्री, अच्छा -5/3 इंटू थ्री करना है ना आपको, तो 3 से 3 गया, -5 बचा, ठीक है ना, -5/3 करो, 3 से 3 गया, -5 बचा। चलो अब क्या बचा आपके पास, दो एलिमेंट और बचते हैं फाइनली, तो 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो इस R3 का ही सहारा लेना पड़ेगा, R1 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R3, ये करना पड़ेगा, तो R1 को चेंज करो, -3 टाइम्स ऑफ R3, इधर 0 0 है तो ये तो 1 2 ही रहेगा, ठीक है, और -3 टाइम्स ऑफ ये 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1। चलते हैं आगे, अब क्योंकि R1 चेंज करना है पर ना, और -3 गुना कर रहे हैं R3 का, तो -15 और -3 गुना करो जरा -4 का, तो +12, और फिर एक और जोड़ो तो 13, इसका -3 गुना करो तो -9, -8 7, -5 5, -4 3, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको करना है आपको 0 0 करना है, तो 2 गुना इसका माइनस कर दूं मैं, R1 changes to R1 plus -2 times of R2, तो -2 गुना करना है, इधर 0 0 है तो इधर ये तो खैर बनी गया, इसको तो लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कैलकुलेशन वहां करते हैं अपन। अब करना है इसका -2 गुना, तो -8 × -2 +16 -15 1, ठीक है, -2 गुना करो तो -2 गुना करेंगे तो -14 + 13 -1, ठीक है, इसका करो -2 गुना, तो -2 गुना करेंगे तो +10, और 10 - 9 इज +1, और बाकी से -8 7 -5 5 -4 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर बेटा, मैच कर लो दोनों अपने अपने शीट्स के अंदर, कितना गलत है उस हिसाब से मार्क्स दे दीजिए। तो ये मेरा I = कोई नई मैट्रिक्स बन चुकी है B × A, सो A इनवर्स क्या होता है, अगर I = B × A है तो A इनवर्स B होता है, और B क्या निकला, जो भी निकला, हाँ एक मिनट, 1 - 1 1 - 8 7 - पहले तो आप ये देखो फाइनल मैट्रिक्स ये मिल रही है क्या, खुशी के तो बीच में गलती हो गई थी तो नहीं मिली होगी, इसके देखो तनिष्क की ये मैट्रिक्स मिल रही है क्या, ठीक, कौन से वाले का, इसका हाँ 1 1 1, मतलब पहला 1 1 1 है, चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से देख लो, -1 यहाँ आया था मेरा ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, -2 × R2 किया है ना, -2 × R2 करूंगा, यानी इसका -2 करूंगा, तो -14 + 13 -1 ही आया, लेकिन हम भी हमारा चेक कर लेने, हमारा तो -1 करेक्ट है ना इस प्रोसेस से, तो आपका तो बिल्कुल काफी अलग है, लेकिन फिर भी एंड में एक ही एलिमेंट अलग है, एक ही एलिमेंट अलग है, बोलो। चलो आप इस ये चेक करो, इस 9 में से कितना एलिमेंट अलग है, 9 में से इन 9 में से कितना एलिमेंट अलग, एक ही एलिमेंट अलग है, और कितने मार्क्स का था, 3, तो 9 एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 3, नहीं 3 मार्क्स डिवाइडेड बाय 9 एलिमेंट्स, यानी कि 1/3 का हर एक एलिमेंट हुआ, 1/3 काट दो, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन, और आप देखो इसके कितने गलत है, हाँ इधर मैच कर लो कितने एलिमेंट्स गलत है, देख लो उस हिसाब से मार्क्स दे दो, वेरी इजी, सारे अलग है, अच्छा 6 अलग है, तो 6 × 1/3 यानी 2 मार्क्स काट दो, 1 मार्क दे दो, ठीक है जी। अब सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये तो हो गया क्वेश्चन, अब कॉलम आप दोनों ने नहीं किया है लेकिन करना तो है, और आपने घर पे भी 100% नहीं किया होगा, कहा था मैंने किया था, चलो चलो देखो, तो कॉलम वाला मैं कंपलसरी दे देता, काश करना ही होता, क्योंकि क्या है इधर भी नहीं किया उधर भी नहीं किया, तो ऐसे तो कभी भी नहीं करोगे, और फिर जब बोर्ड में आ जाए फिर क्या करोगे। चलिए तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0 1 2, अब कॉलम के लिए अरेंजमेंट क्या होता है, देखो एक बार तो करें अपन, A × AI का, बोलो A = AI वाला होता है अरेंजमेंट,
चलिए तो ए है हमारी मैट्रिक्स 0 1 2 0 1 2, देन 1 2 3 1 2 3, देन 3 1 1 3 1 1, दिस इज ए मैट्रिक्स। अब ये वाला ए शोपीस की तरह रहेगा क्योंकि इस तरीके के जब अपन ईसीआई लगाते हैं तो इधर तो एलएचएस में तो इस मैट्रिक्स पे और आरएचएस में सेकंड मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगता है, ऐसे रूल्स हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है साहब। अब आप कॉलम वाइज चल रहे हो तो कॉलम वाइज में पैटर्न कुछ ऐसे सीखा था हमने, ऐसे 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 कुछ सिग्मा जैसा साइन बन रहा है, हल्का सा उल्टा सिग्मा बन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या बनाना है, वन, इसको वन बनाना है। तो लेट अस इंटरचेंज कर दूं, या तो इंटरचेंज कर दो या ऐड कर दो। देखो अगर मैं, देखो दोनों बातें सोचो, अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये 1 2 3 इधर हो जाएगा ना, और अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये भी जीरो हो गया, ये भी वन हो गया, तो दो काम हो रहे मेरे एक साथ, और ये भी वन आ जाएगा, ये लो साहब, तो तीन काम हो जाएंगे आपके, है ना। हालांकि वो वन तो फिर बीच में वहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि जस्ट अगला स्टेप नहीं है ना वो, देखो इसके बाद नहीं, इसके बाद अगला स्टेप ये भी तो नहीं है, इसके बाद अगला स्टेप ये है, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है इसको 1 0 बनाया ना तो आते आते चेंज भी हो जाए। चलो देखेंगे, बट फिर भी अपन एक बार कॉलम कर रहे हो ना तो रो इंटरचेंज क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो, कॉलम कर रहे हैं अपन, कॉलम, वी आर नॉट इंटरचेंजिंग रो, तो वो माइंडसेट ऐसा चलता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि करके जाना, क्योंकि एग्जाम में अगर उसने 100% कंपलसरी कर दिया बेटा ईसीआई लगाओ, तो फिर आप 100% रो को इंटरचेंज करके और फिर क्या होगा, बीच में याद आएगा और ये क्यों कर रहा हूँ, फिर काटोगे पीटोगे, मार्क्स कटे नहीं कटे, टाइम तो बहुत वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कर दिया कंपलसरी, इतना टाइम होता है कि बेटा एक करने में जान निकल जाती है इसको, ये अच्छा वाला आता है लेवल वाला, हमेशा याद रखना, उसको आप दो मेथड से करोगे इतना टाइम नहीं होता, पेपर छूट जाएगा क्या फायदा, ठीक है। तो प्रैक्टिस घर से करके जानी है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेट अस इंटरचेंज दिस एंड दिस, ऐसा कर लेते हैं ना, तो ऐसा करने से हमारे दो एलिमेंट फिक्स हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इंटरचेंज करना है अपने को, अप्लाई करना है कॉलम वन इंटरचेंज विथ कॉलम टू, चलो करते हैं। तो अब इसको अरेंज भी कॉलम वाइज ही करो, 1 2 1 0 1 3 2 3 1, इधर भी कर दो इक्वल टू ए इंटू 0 1 0 1 0 0 0 0 1, फाइन, ठीक है। तो 1 0, अब अगला काम इसको 0 बनाना, इस 1 का सहारा ले, नहीं तब देखो वापस वो दिमाग ही रो वाइज ही चल रहा है, अभी अभी आपको कॉलम वाइज सहारा लेना है, तो इस 1 का सहारा ले सकता हूं मैं ना, तो C3 changes to C3 plus minus 2 ही तो है, -2 times of C1, ठीक है। चलिए तो C3 चेंज कर रहे हैं तो उसको, तो अब आप अरेंजमेंट सारा कॉलम वाइज करना, 1 2 1 0 1 3, चलिए तो ये हो जाएगा 0, इसका -2 गुना करो -4 और 3 -1, इसका 2 गुना करो 2 -2, मतलब -2 गुना करो -2 plus 1 -1, तो इनिशियल स्टेज पे कैलकुलेशन वैसे भी इजी होती है, धीरे धीरे वो थोड़ी सी भारी भरकम होती जाती है, 0 1 0 1 0 0, अब क्योंकि यहाँ पे तो 0 0 है तो ये 0 1 तो एज इट इज, जहां पे 0 0 है अब केवल इस 0 को सोचना है आपको ना, तो आप -2 गुना कर रहे थे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ काम हो गया, कितना काम हो गया, अब देखो 4 एलिमेंट सेट हो गए मेरे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है। तो C3 changes to C3 plus C2, 1 2 1 0 1 3, C3 चेंज कर रहा हूं मैं ना, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 0 0 plus 2, ठीक है आ जाओ, a multiplied by लिखना मत भूलना, 0 1 0 1 0 0, और 2 में ऐड कर रहे हैं ना, 2 में ऐड कर रहे हैं बेटा, 1 -2 and 1, ठीक है। अब कितना काम हो गया, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, या तो देखो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये सब फ्रैक्शन में चला जाएगा, क्यों ना इसमें से इसको माइनस कर दूं, 2 -1 1 होता है ना, तो आपके नेगेटिव, लेकिन उससे फिर ये 0 0 बिगड़ जाएंगे, फ्रैक्शन में तो जाएगा ही कुछ भी कर लो,
सी टू में से इसको नहीं घटा सकते ना, वो रूल ही नहीं है, तो आप चलो 1/2 कर दो, फ्रैक्शन में जाएगा जो जाएगा, है ना, नो अदर ऑप्शन। तो सी थ्री चेंजेस टू 1/2 टाइम्स ऑफ सी थ्री। हाँ क्यों जा रहा है? अच्छा हाँ नहीं जा रहा तो ठीक है। हाँ अपन वो देखो दिमाग वही चल रहा है ना, सी थ्री को अपन आर थ्री रीड कर रहे हैं, तो 3/2 1/2 ऐसे दिमाग जा रहा है, नहीं जा रहा ठीक है। तो फिर सबसे सही तरीका तो यहाँ पे यही होगा, यही करना पड़ेगा, 1 2 1 0 1 3, वहां तो 0 0 है, 0 0 1। चलिए इसका करो हाफ, ए मल्टीप्लाइड बाय सी थ्री का हाफ करना है, तो 0 1 0 1 0 0 करो हाफ, 1/2, अब इधर तो जाएगा जो जाएगा, -1 और 1/2 इधर तो जाएगा जो जाएगा, कर नहीं सकते कुछ। अब किसकी बारी हो गई? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको जीरो तो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो इसका सहारा ले लें या इसका सहारा ले लें? सी वन का सहारा लें। देखो इसका सहारा लो ना, इधर जीरो ज्यादा है ना, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है तो हमको फायदा होगा ना। चलिए तो सी टू चेंजेस टू सी टू प्लस -3 टाइम्स ऑफ, वैसे तो देखो जो पैटर्न अपन फॉलो करते हैं ना उस पैटर्न में चांसेस कम होते हैं कि पुराने बने हुए एलिमेंट्स बिगड़ जाएं, बट फिर भी एक पैनी नजर रखनी है कि कहीं पुराने बिगड़ तो नहीं रहे किसी भी स्टेप, है ना, ऐसे नहीं धड़ाधड़ करे जाए बाद में पता चला पुराना कोई बिगड़ गया। ठीक है चलो, तो सी टू को चेंज कर रहा हूं मैं, तो 1 2 1, सी थ्री एज इट इज लिखो 0 0 1। चलो चलो सी टू को चेंज कर रहे हैं ना, तो और -3 गुना इसका करेंगे, तो इधर 0 0 है तो ये 0 1 होगा होगा। चलिए इसका -3 गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। इधर आ जाओ, ए मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले तो जो कॉलम सेम है उसको लिख दो, 0 1 0 और 1/2 -1 और 1/2। अब आप सी थ्री का -3 गुना करोगे, -3/2, -3/2 प्लस वन, -3/2 प्लस वन, -1/2, -1/2। ठीक है इसका -3 गुना करो, तो -3 × -1 + 3, इसका -3 गुना करो, -3/2। फाइन, अब क्या बचा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए दिस माइनस दिस सी वन चेंजेस टू सी वन प्लस -1 टाइम्स ऑफ सी थ्री। ठीक है इधर तो 0 0 है तो ये तो 1 2 हो जाएगा, और 1 -1 ये 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय। चलिए इसको इसमें से माइनस करना है बेसिकली, तो ये -1/2 और इसको इसमें से माइनस करना है, 1 --1 = 2, और इसको इसमें से माइनस करना है, तो -1/2 अगेन, ये -1, ये -1/2 है ना। ठीक है बाकी सेम, -1/2 3 -3/2 देन 1/2 -1 एंड 1/2। ओके फाइन चलो आओ आगे, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसको क्या बनाना है आपको? जीरो बनाना है, उसी का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं इसका, इसका सी टू का सहारा ना, तो सी वन चेंजेस टू, इधर भी टू ही तो था, जीरो था ना बेटा, जीरो का -3 1 टाइम्स करेंगे 0 ही आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। ये इधर इधर इसका -1 टाइम्स किया अपन ने, तो ये 1 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। ठीक है तो सी वन चेंजेस टू, बोलो सी वन प्लस -2 टाइम्स ऑफ सी टू, तो इधर तो सोचो ही मत, बन चुका है आपका 1 0 0, चाहे से आप यूं अरेंज करो या कैसे भी करो, 0 1 0 0 0 1। इधर आ जाओ बस, अब मेन एक लास्ट स्टेप इसमें सही यूज कर लें तो काम हो जाएगा। ए सी वन को -2 टाइम्स, तो -1/2 × -2 +1 + 1 + 1 - 1/2, यानी कि +1/2, इसका -2 गुना करना है, तो -6 - 6 + 2 - 4, इसका -2 गुना करना है तो +3, और 3 - 1/2 = 5/2, 5/2, 3 में से आधा गया, ढाई, ठीक है ना, बाकी सबसे -1/2, 3 - 3/2। अभी कैलकुलेशन जो, अब जैसे आपको 10 सेकंड लग रही है, मुझे 5 सेकंड लग रही है, ये किसका नतीजा है? प्रैक्टिस का नतीजा है और कुछ भी नहीं है इसमें। आप नई चीज कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता कि बेटा ये कर लेना, क्या कर लेना, अब जोड़ गुणा बाकी तो आपको ही करना है, और वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी मोर एंड मोर प्रैक्टिस से। तो डू एज मच क्वेश्चन एज यू कैन डू,
फ्री टाइम को यूटिलाइज करो, दो चार क्वेश्चंस करो, तभी आप कर पाओगे। अब मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि कॉलम वाइज करके ही जाना प्रैक्टिस, नहीं तो फिर एग्जाम में सब कुछ आता है ना, फालतू के मार्क्स आएंगे ना। ठीक है, अब फाइनली मेरे पास ये ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए नहीं सॉरी आई मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स इंटू सम, कोई नई मैट्रिक्स बन गई बी, तो आई इक्वल टू ए बी है अगर, तो फिर ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा, और बी जो भी गिवन है यही होगा, 1/2 - 1/2 - 1/2 -4 3 - 1 आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप घर जाके इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, फिर वीडियो से चेक करेंगे कि हमारा आंसर अभी वाले आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। आज ही करेंगे काम, नया चैप्टर शुरू करने से पहले पुराना कचरा हमेशा साफ कर लेना चाहिए। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे तो आज ये कचरा साफ कर लेना, मतलब एक बार करके देख लेना। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतने टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे, बोलो कौन सा वाला अटेम्प्ट किया आपने, नीचे वाला किया है? ठीक है, तो इस जब आप दोनों ने नीचे वाला किया तो अभी नीचे वाला ही सॉल्व करवा देता हूं मैं, और ऊपर वाला फिर आप एग्जाम्पल में, अच्छा ऊपर वाला एग्जाम्पल में है तो एग्जाम्पल से देख सकते हो, देख सकते हो, बोलो। चलो पहले तो नीचे वाला करते हैं अपन, फिर देखते हैं, है ना। तो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ए टू द पावर एन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एन इक्वल टू वन पे इसको प्रूव करते हैं, पूरा प्रोसेस जो है आप वीडियो से देखें प्लीज, है ना। एन इक्वल टू वन पे अपन इसको प्रूव करते हैं, तो ए की पावर वन इक्वल टू, बोलो 1 + 2 यानी 3, -4 × 1 इज -4, ये 1, और 1 - 2 × 1 यानी 1 - 2 यानी -1। तो आप चेक करो, ए की पावर 1 यही तो होती है, तो ये ए मैट्रिक्स निकल के आ रहा है ना, 3 - 4 - 1 और -1, सो द पी ऑफ 1 मेरा ट्रू हो गया, यानी ये पी ऑफ 1 था ना, ये पी ऑफ 1 स्टेटमेंट था, तो पी ऑफ 1 इज ट्रू साबित हो चुका है। एक बार पी ऑफ 1 ट्रू साबित हो जाए तो आपको क्या करना होता है, पी ऑफ के एज्यूम करके, पी ऑफ के तो इसको डिलीट कर देता हूँ, आ जाओ सीधे पी ऑफ के क्या निकलेगा मेरा, पी ऑफ के निकलेगा यानी एन की जगह के, यानी ए टू द पावर के, इस स्टेटमेंट में एन की जगह के रखना है, क्या बनेगा 1 + 2 k, फिर देन 4 k, देन सिंपली के, एंड देन 1 - 2 k। ठीक है क्लियर है। चलो अब आपको प्रूव करना है कि पी ऑफ के प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए, तो पी ऑफ के प्लस 1 क्या बनेगा पहले तो बताओ, ए की पावर के प्लस 1, आ जाओ 1 + 2 × k + 1, फिर इधर आ जाओ 4 × k + 1, -4 क्यों, 4 ही तो है, माइनस कहाँ से है, -4, अच्छा माइनस है सॉरी, तो फिर इधर भी -4 करो, -4, और उसके बाद n है तो n की जगह k प्लस 1, और लास्ट में -2n है तो -2 × अच्छा 1 - 2 है तो 1 - 2 × k + 1। ठीक है साहब, अब आपको ये प्रूव करना है, तो चलो एल एच एस उठा लू मैं, बोलो एल एच एस क्या है मेरा, ए टू द पावर के प्लस 1, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए टू द पावर के मल्टीप्लाइड बाय ए, ए टू द पावर के हमारे पास ऊपर मिल गया हमको 1 + 2 k - 4 k, देन के, देन 1 - 2 k मल्टीप्लाइड बाय ए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए क्या थी, 3 - 4 1 - 1 यही थी, ठीक है ना। ए टू द पावर के की वैल्यू स्टेटमेंट से लूंगा ये, इसको आपने आज स्टेटमेंट नंबर 1 जो लिया है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 + 2 k × 3 करो, तो 3 + 6 k, और इसको करो -4 k, तो 3 + 6 k - 4 k 3 + 2 k, आ जाओ 1 + 2 k × -4 करो, -4 - 8 k, और ये +4 k, तो -4 - 8 k + 4 k, तो -4 - 4 k बचेगा ना, क्योंकि -8 k और फिर +4 k, ठीक है तो -4 k। ठीक है बेटा आ जाओ, k × 3 3 k और 1 - 2 k, तो 3 k + 1 - 2 k यानी सिंगल k, k प्लस 1 लास्ट, k × -4 इज -4 k, देन ये आ जाओ, ये -1 मल्टीप्लाई करो तो -4 k + 2 k हो जाएगा -2 k, -2 k - 1, देखो चेक करो यही आएगा, यही आएगा इस स्टेप में। अब आप चेक करो इस ये वाली वैल्यू इसके बराबर, चाहे इसे चेक कर लो, 2 × 2 k 2 k + 2 + 1, तो 3 + 2 k, इधर आ जाओ -4 k - 4 आ रहा है, इधर आ जाओ, इधर तो k प्लस 1 एज इट इज मैच कर गया, और इधर आ जाओ -2 k - 1, -2 k तो -2 k ही आ गया, और -2 × 1 - 2 - 2 + 1 - 1,
तो दिस इज नथिंग बट अवर आरएचएस. आप इसको वापस ये वाली फॉर्म में लिख देना एक बार और फिर इसके इक्वल टू आरएचएस लिख देना. दैट मींस पी ऑफ के प्लस वन बी ट्रू है और पी ऑफ के प्लस वन ट्रू है वेन एवर पी ऑफ के ट्रू है ना, वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू है. अगर ये स्टेटमेंट साबित हो जाए और एन इक्वल टू वन पे, तो पी ऑफ वन तो पहले ट्रू साबित हो गया था, हेंस फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर. इस तरीके से प्रूव हो जाएगा, पूरा सही हो गया तो फुल मार्क्स दे दो. थोड़ा सा गलत है, 1/4 काट दो. ठीक है क्या? कितने मार्क्स का क्या? ठीक है कर दूं डिलीट? बोलो डिलीट कर दें. चलिए अब 5 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन देख लो जल्दी से. कौन सा अटेम्प्ट किया पहले बताओ दोनों में से? ऊपर वाला अटेम्प्ट किया दोनों ने. ठीक है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन. तो x इंटू वन, पहले तो बताओ इसके ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है? 3/1. और इसका ऑर्डर क्या है? 3/3. और इसका ऑर्डर क्या है? 3/1. तो फाइनल आंसर 1/1 आएगा. चलो 1/3 और 3/3 का 1/3 बनेगा, यानी एक रो मैट्रिक्स बनेगी. पहले तो अरेंजमेंट कर दिया करो और उसको फिर 3/1 से इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, यानी एक्स 4/1 से मल्टीप्लाई. इसको तो कॉपी पेस्ट कर दो. अब इसको सॉल्व करो. तो एक्स इंटू वन एक्स जीरो माइनस टू, एक्स माइनस टू पहला एलिमेंट इज एक्स माइनस टू. दूसरा आ जाओ जीरो माइनस टेन और जीरो तो माइनस टेन. तीसरा एलिमेंट देखो एक्स टू जा टू एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट, तो 2x माइनस 8 हो गया ये काम. ठीक है ना. अब इक्वल टू ये क्या है? O के बराबर है. ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी एक ही एलिमेंट की. ठीक है और O को भी अगर मैं उसमें कन्वर्ट कर दूं तो ये जीरो बनेगा. ठीक है तो करो x माइनस टू इंटू एक्स करो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 10 इंटू 4 माइनस 40 और 2x माइनस 8 इंटू 1 तो 2x माइनस 8 ही हो जाएगा. तो अब मैट्रिक्स फॉर्म से बाहर ले आओ, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x तो कैंसिल हो गया, माइनस 48 इक्वल टू जीरो. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 48 तो x इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 48. रूट 48 का मतलब होता है 16 इंटू 3 प्लस और माइनस 4 रूट 3. वेरी इजी. क्या बेटा पेपर? ठीक है बेटा चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसको बिठाओ. चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट कर लोगे अपने आप. आपको क्या करना है? एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है मिसलेनियस में है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट एबीसीडी करके मांगना था. अपन सेम क्वेश्चन है इस पैटर्न का है सेम ये, तो फिर आप इसका वीडियो देख सकते हो ना. नहीं नहीं फिफ्थ का कह रहा हूँ, फिफ्थ का जो सेकेंड पार्ट है ये वाला सेम क्वेश्चन आपके इसमें है. थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, एक चौथी मैट्रिक्स डी ढूंढनी है तो डी को हम मान लेते हैं ए बी सी डी 2/2 की. आप क्या करो, सी मैट्रिक्स को यहाँ अरेंज करो इस वाली मैट्रिक्स को, फिर माइनस ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स करके यहाँ लिखो और इक्वल टू जीरो कर दो, है ना, ओ कर दो. तो ए की वैल्यू कुछ आ जाएगी, बी की वैल्यू कुछ आ जाएगी, सी. इस तरीके से चारों एलिमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे. ठीक है चलो सिक्स्थ का जो सेकेंड पार्ट है वो तो हमने, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया पहले तो बताओ? सेकेंड वाला आपने किया है लेकिन फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि हमने किया नहीं है. अच्छा पहले जो किया है वो देख लेते हैं. तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको प्रूव करना है राइट. हाँ क्या करेंगे सबसे पहले अपन, नहीं अपन पहले इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे. कैसे? ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई. ठीक है अब सबसे पहले आपको ए से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई. तो ए इनवर्स मैंने यहां लगा दिया, लेट अस से मैंने यहीं पे इसी स्टेप में करके बता देता हूं. यहां पे क्या लगा दिया? ए इनवर्स. तो यहां पे भी क्या लग जाएगा? ए इनवर्स. तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई. और आई इंटू बी क्या हो जाएगा? बी. ये आपको दो तीन स्टेप में करना है, मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूं. क्या बचा यहाँ पे? बी इंटू ए बी इनवर्स. और यहाँ पे क्या बच गया? ए इनवर्स. अब आपको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बी प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स. तो इधर भी क्या आ जाएगा? बी इनवर्स इंटू बी आई और आई इंटू ए बी इनवर्स. फाइनली क्या आ जाएगा? ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. तो प्रूव्ड है ये तो, है ना, दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है.
ठीक है बेटा। अब इसका सेकेंड पार्ट जो आपने किया नहीं और आपको कहीं बुक में मिलेगा भी नहीं, आपने किया है फर्स्ट पार्ट, ओके वेरी गुड। चलो देखते हैं, देखो आपको क्या कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले ये चीज दिखाई देगी, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो गिवन पॉइंट हो गया कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू, ये गिवन हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हो गया ना। ठीक है आगे सुनो, अब आपको एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है ए बी प्लस बी ए, और वाई दे रखा है ए बी माइनस बी ए, फाइन। और आपको किसी चीज की वैल्यू पूछी, एक्स वाई ट्रांसपोज, एक्स वाई का होल ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू एक्स, इसकी वैल्यू पूछी। ये पूरा क्वेश्चन सेट हो गया, बताओ। इन सारी चीज को मैं डिलीट कर देता हूं। देखो अब आप केवल यहाँ लेफ्ट राइट साइड देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये गिवन पॉइंट है, ये भी गिवन पॉइंट है ना, ये भी गिवन पॉइंट है, आपको केवल ये निकाला। देखो आपको अल्टीमेटली एक्स वाई का होल ट्रांसपोज करना है, एक्स वाई का होल ट्रांसपोज क्या होगा, वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा बोलो। यहां करते हैं अपन, आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई का होल ट्रांसपोज प्लस वाई एक्स, इस चीज की वैल्यू तो चाहिए। तो एक्स वाई का होल ट्रांसपोज क्या होता है, वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज बाई प्रॉपर्टी होता है ना, प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। मुझे बताओ y ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू बोलो, ए बी माइनस बी ए, तो इस पूरे का ट्रांसपोज राइट इंटू इंटू x ट्रांसपोज बोलो, इस पूरे की वैल्यू ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांस, याद रहे ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी इन टू बीच में है ना, और प्लस वाई एक्स एज इट इज लिख दो अल्फा लास्ट, चेंज मत करो, ठीक है लास्ट में लिख देंगे अपन वाई एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। चलो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, ए बी का भी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, और एक ब्रैकेट और लगा दो बिकॉज दिस होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इधर भी क्या कर सकता हूं मैं, ए बी का भी होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का भी होल ट्रांसपोज और बड़ा ब्रैकेट प्लस वाई एक्स फाल एज इट इज लिख दो, इसका देखते हैं इसका क्या होता है, फिर वाई और एक्स को रख देंगे अपन, ठीक है। चलो जी ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यस और नो, माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज बोलो, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इधर आ जाओ मल्टीप्लाइड बाय, इधर आ जाओ ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज प्लस वाई एक्स, क्लियर है। अच्छा जी चेक करो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, तो B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूं, बी ए, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्या लिख सकता हूं, ए बी, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाइड बाय B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को अगेन क्या लिख सकता हूं, बी ए, प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्या लिख सकता हूं, ए बी, और आगे क्या है, प्लस वाई इंटू एक्स। ध्यान से देखो बी ए माइनस ए बी को, बी ए माइनस ए बी को मैं माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए लिख सकता हूं क्या, माइनस कॉमन ले लू तो ए बी माइनस बी ए, और मल्टीप्लाइड बाय बी ए प्लस ए बी को मैं ए बी प्लस बी ए लिख सकता हूं क्या, कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, यस और नो, प्लस वाई एक्स। अब ध्यान से देखो ए बी माइनस बी ए क्या था, वाई, तो माइनस वाई इंटू ए बी प्लस बी ए क्या था, एक्स, तो माइनस वाई एक्स हो गया, आगे प्लस वाई एक्स को लगा भाई, ओ आंसर इस, ठीक है। अब आप वीडियो से चाहो तो इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर लेना, यहाँ तक ए बी माइनस का होल ट्रांसपोज आप स्प्लिट कर देते ना, चेंज कर देते और फिर आगे कर देते, थोड़ा सा करते तो हो जाता, और फिर आपको ये चीज तो यूज करनी है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी इक्वल टू, क्योंकि उसने कह रखा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, आएगा तो एक या दो नंबर का आएगा मैक्सिमम, ठीक है। चलिए काफी है, अब हमारे केवल दो क्वेश्चन बचते हैं, वो आप वीडियो से देखेंगे, कौन कौन से, एक तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट और एक फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट एंड फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये आप कैसे देखेंगे, फिफ्थ का देखो फिफ्थ का सेकंड पार्ट तो आपको पुरानी वीडियो से देख लेना, और इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट अभी मैं इनके क्लास के बाद वीडियो बना दूंगा, एग्जाम्पल से इनकेस नहीं समझ में आपको वीडियो से समझना हो तो इनकी क्लास के बाद मैं इसका वीडियो बना दूंगा, किसका, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए देखिए अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, इसको भी वही मैथमेटिकल पीएमआई से करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है जैसा कि आप कह रहे हैं, ठीक है। चलो इसको भी फटाफट से शॉर्ट फॉर्म में ही देखेंगे, डिटेल में फिर आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं या फिर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं बाद में, ओके। देखो
मैट्रिक्स गिवन है ए टू द पावर एन इक्वल टू, एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा फॉर एनी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट, और आपको ए की वैल्यू ए गिवन है। जैसे पहले किया था वैसे के वैसे ही स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट तो हम मान लेंगे पी ऑफ एन हो गया, ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया पी ऑफ एन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करते हैं कि पी ऑफ वन पे तो क्या ये सही साबित होता है कि नहीं होता है। तो पी ऑफ वन में लगा देता हूँ स्टेटमेंट, पी ऑफ वन क्या होगा यानी कि ए की पावर वन, ए की पावर वन यानी कि ए। अच्छा ये तो हो गया इसका एल एच एस, आर एच एस पार्ट देखो, कॉस एन थीटा दैट मीन्स कॉस एन की जगह वन लगाया तो वन इंटू थीटा, ठीक है। देखो फिर से देखो ये ए की पावर वन है, एक बार एक काम करो एल एच एस आर एच एस में दोनों में एन की वैल्यू वन लगाओ, तो ए की पावर वन और इधर आ जाएगा कॉस एन थीटा यानी कि वन इंटू थीटा, फिर आ जाओ साइन एन थीटा यानी कि वही वन इंटू थीटा, वन इंटू थीटा, वन इंटू थीटा एंड माइनस साइन एन थीटा यानी माइनस साइन वन इंटू थीटा एंड कॉस एन थीटा अगेन कॉस वन इंटू थीटा। सो ए की पावर वन इज ए, और इसको जब प्रूव कर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस वन इंटू थीटा इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ए की वही वैल्यू आ रही है जो हमको गिवन है। चेक करो यहाँ पे ए की वही वैल्यू आ रही है जो हमको गिवन है, देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ए वही वैल्यू आ रही है। ये चीज तो उन्होंने ही कह दी ना भाई ये इसके बराबर है और हमारा भी ये इसके बराबर आ रहा है, दैट मीन्स पी ऑफ वन। इसका मतलब क्या हो गया कि पी ऑफ वन इम्प्लाइज पी ऑफ वन इज ट्रू। पर एक बार पी ऑफ वन ट्रू साबित हो जाए तो फिर आगे का काम कैसे करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं। आगे का काम कैसे करते हैं, पी ऑफ वन साबित हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं पी ऑफ के और पी ऑफ के प्लस वन दो स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ के स्टेटमेंट क्या बनेगा पहले बताओ, तो पी ऑफ के स्टेटमेंट बनेगा ए टू द पावर एन था तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर के इक्वल टू आर एच एस में आ जाओ, एक मैट्रिक्स है 2 by 2 की, एन की जगह के लगाओ तो कॉस के थीटा देन साइन के थीटा देन माइनस साइन के थीटा देन कॉस के थीटा, ठीक है। ये तो बना मेरा स्टेटमेंट पी ऑफ के। अब स्टेटमेंट पी ऑफ के प्लस वन क्या बनेगा वो देख, स्टेटमेंट पी ऑफ के प्लस वन क्या बनेगा, पी ऑफ के प्लस वन ये क्या बनेगा, तो एल एच एस में हो जाएगा ए की पावर एन की जगह के प्लस वन रखना है, या यूं कह दूं के की जगह के प्लस वन, भाई ए की जगह एन रखा एन की जगह के रखा, अब के प्लस वन रखना है तो एन की जगह के प्लस वन रखना है या के की जगह के प्लस वन रखना है, बात एक ही है क्योंकि ये के भी तो एन की जगह ही रखा है, ठीक है। तो के प्लस वन रखते जाओ जल्दी से, कॉस ऑफ के थीटा था तो क्या हो जाएगा के प्लस वन इंटू थीटा, इधर आ जाओ। सेकेंड एलिमेंट है साइन ऑफ के थीटा था तो वही के प्लस वन इंटू थीटा, आगे चलो माइनस साइन के थीटा यानी माइनस साइन वही के की जगह के प्लस वन इंटू थीटा एंड फाइनली कोस के थीटा था तो वो भी क्या हो जाएगा कोस इंटू के प्लस वन इंटू थीटा। अब देखो ये दो स्टेटमेंट में से ये तो हम मानते हैं कि ये तो हम अज्यूम करते हैं कि ये तो ट्रू है, ये तो हम मान लेते हैं अज्यूमिंग इट इज ट्रू, अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो ट्रू है, अज्यूमिंग इट इज ट्रू, और इसको स्टेटमेंट नंबर वन मार्क कर देते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं, टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है। अगर उसको सही साबित मानते हुए ये प्रूव हो जाता है तो फिर ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही साबित हो जाता है, ऐसा ही प्रोसीजर हमने सीखा है। चलो इसको प्रूव करना है यानी बेसिकली आपको, तो इसका एलएचएस उठा लेते हैं, इसका एलएचएस है ए टू द पावर के प्लस वन, सॉरी ए टू द पावर के प्लस वन, ए टू द पावर के प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर के मल्टीप्लाइड बाई। अब a टू द पावर k की वैल्यू हमको स्टेटमेंट नंबर वन से मिल जाएगी क्योंकि हमने माना है कि वो स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ट्रू है तो उसकी वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड द लास्ट एलिमेंट इज cos k थीटा। ये तो है a टू द पावर k की वैल्यू इनटू a भी करना है, तो a क्या है हमारा, a ओरिजिनली मैट्रिक्स देखो क्या था, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा एंड अगेन कॉस थीटा, और मैं इसके आगे मार्क कर दूंगा कि दिस हैज डिराइव फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर वन, मतलब ए टू द पावर के की वैल्यू फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर वन, ठीक है। अब वही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं, रो वन को कॉलम वन से, रो वन को कॉलम टू से, इस तरीके से 2 by 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी। तो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा होगा यहाँ पे, देखो लिख देता हूं मैं कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ये पहला एलिमेंट बनेगा। रो वन कॉलम टू आ जाओ तो कोस को के थीटा इंटू साइन थीटा, कोस के थीटा इंटू
साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। आ जाओ थर्ड एलिमेंट, तो रो टू कॉलम वन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, रो टू कॉलम टू, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर ये प्लस हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दिखने में भयानक दिख रहे होंगे चारों एलिमेंट्स, बट बिलीव मी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज सब याद है, ITF और साल 11th क्लास की प्रॉपर्टीज, तो ये कुछ भी नहीं है। देखो अब इसके आगे स्पेस थोड़ी सी कम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ उसके बाद की कहानी। इक्वल टू, देखो अब देखो कोस के थीटा इंटू थीटा, अब आप के थीटा को ए मानो और थीटा को बी मानो, तो के थीटा यहाँ पर भी ए और थीटा यहाँ पर भी बी, तो चेक करो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी के थीटा प्लस थीटा, के थीटा प्लस थीटा, एंड अगेन के थीटा प्लस थीटा में से थीटा कॉमन ले लें तो क्या बच जाता है, के प्लस वन इंटू थीटा, के प्लस वन इंटू थीटा। आगे चलो इधर आ जाओ, इसको अगेन क्या लिया हमने ए, इसको क्या लिया नहीं साइन थीटा को नहीं, केवल थीटा की बात हो रही है, इसको बी, सिमिलरली इसको ए एंड इसको बी, तो ये किस तरीके की प्रॉपर्टी दिख रही है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी होता था, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए के थीटा ले लूंगा और बी थीटा, के थीटा प्लस थीटा, अगेन थीटा कॉमन आ जाएगा तो के प्लस वन इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है चलते हैं आगे, अब आ जाओ थर्ड एलिमेंट, तो वही ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, एक बार फिक्स कर दिया भाई वो ए है और ये बी है, तब तो ये चलेगा, इधर भी लिख देता हूँ ये ए है ये बी है, ये ए है और ये थीटा है आगे बी है ना। चलो अब इस दोनों में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, तो ये और ये बिल्कुल सेम हो जाएंगे माइनस साइन कॉमन लेने के बाद, तो अगर ये साइन ऑफ के प्लस वन थीटा था तो ये भी साइन ऑफ के प्लस वन थीटा हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस साइन कॉमन है तो ये माइनस ऑफ साइन के प्लस वन इंटू थीटा हो जाएगा। भाई ध्यान से देखो ये एग्जैक्टली इसका नेगेटिव है, तो ये इसका एग्जैक्टली नेगेटिव आएगा, ये साइन ऑफ के प्लस वन थीटा है तो ये माइनस साइन ऑफ के प्लस वन थीटा। फाइनल फाइनल आ जाओ, अब देखो इसको यहां से रीड करो, पहले कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो सेम ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वही कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा, यानी कॉस ऑफ थीटा कॉमन ले लेंगे तो के प्लस वन इंटू थीटा, ये बन गई मेरी टू बाय टू की मैट्रिक्स, विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस, विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस। देखो कोस ऑफ के प्लस वन थीटा इंटू थीटा, साइन ऑफ के प्लस वन इंटू थीटा, माइनस साइन के प्लस वन इंटू थीटा एंड कोस ऑफ के प्लस वन, तो आपको बस ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, फिर देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो हमारा क्या हो गया पी ऑफ के, हेंस हमारा क्या हो गया पी ऑफ के प्लस वन ट्रू साबित हो गया, इज ट्रू वेन एवर, वेन एवर P of K is true. Whenever P of K is true, हमारा P of K plus one true साबित हो चुका है। ठीक है? Hence implies इससे क्या हो जाएगा कि P of N is true for any natural number, for any natural number N belong to N. Proof. This is it. है ना? इस तरीके से ये solve हो जाएगा। ठीक है, NCERT का एग्जाम्पल भी है, वहां से भी देख सकते हो आप, ये वीडियो भी देख सकते हो, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या आप क्लास में आके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, और बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाई दिए, इसको एक बार पेंडिंग छोड़ा था टाइम की कमी की वजह से, और अभी मैंने ये भी करवा दिया है। ठीक है ना, और भी कोई डाउट हो इस पूरे टेस्ट पेपर में से तो यू कैन आस्क एनी टाइम, यू फील फ्री। ठीक है ना, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।